Hello everyone, welcome to today's session. I am Kajol and in this video we are going to discuss check which is a negotiable instrument. तो अब इसके पहले वाले वीडियोस में हम बिजनेस लॉ के फोर एक्ट्स जो हैं उनको पूरा डिस्कस कर चुके हैं और कंपटीशन एक्ट 2002 और MRTP एक्ट 1969 को भी हम डिस्कस कर चुके हैं. तो अगर आप ये वीडियोस देखना चाहते हैं और आप UGC नेट कॉमर्स या फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन और PGT कॉमर्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो ये वीडियोस आपके लिए यूज़फुल हैं. तो अगर आप इन वीडियोस को देखना चाहते हैं तो आप विष्णु इकोनॉमिक स्कूल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और अगर आप इन कोर्सेज के बारे में जानना चाहते हैं तो आप ऊपर दिए हुए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडे सेशन. तो अब यहाँ पे जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है उसका थर्ड टाइप है चेक. तो अब इसकी डेफिनेशन से स्टार्ट करेंगे हम. और चेक इज़ अ बिल ऑफ एक्सचेंज. तो अब ये जो चेक है वो एक टाइप ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज ही होता है. इसको हम बिल ऑफ एक्सचेंज ही मानते हैं. अ चेक इज अ बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉन ऑन अ स्पेसिफाइड बैंकर. तो अब ये ड्रॉ किया जाता है बैंकर के लिए, मतलब किसी भी स्पेसिफाइड बैंकर के लिए ड्रॉ किया जाएगा. उस पर ये ड्रॉ होगा ऑन अ स्पेसिफाइड बैंकर एंड नॉट एक्सप्रेस टू बी पेबल अदरवाइज. और इसके अलावा किसी भी मीडियम से इसका पेमेंट जो है वो नहीं होगा. सिर्फ एक स्पेसिफाइड बैंकर के ऊपर ये ड्रॉ किया जा सकता है, वही इसके अगेंस्ट पेमेंट करेगा. अदरवाइज देन ऑन डिमांड इट इज ऑलवेज पेबल ऑन डिमांड. तो जब भी जो चेक होता है वो कभी भी किसी फ्यूचर स्पेसिफाइड डेट पे पेबल नहीं होता, वो हमेशा पेबल होता है ऑन डिमांड. तो अब ये फ्यूचर स्पेसिफाइड डेट और ऑन डिमांड को हम समझ चुके हैं जब हमने प्रोमिसरी नोट डिस्कस किया था अंडर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट. तो अब यहाँ पे हमने देखा था कि जो प्रोमिसरी नोट है और जो बिल ऑफ एक्सचेंज है वो फ्यूचर स्पेसिफाइड डेट पर भी पेबल हो सकता है और ऑन डिमांड भी पेबल हो सकता है. लेकिन अब यहाँ पर जो चेक है वो सिर्फ डिमांड पर ही पे होगा, मतलब जब जो पर्सन एंटाइटल है उस चेक को इन कैश करवाने के लिए, तो जब वो पर्सन डिमांड करेगा बैंक से ऐसा कि उसे अब उसके अगेंस्ट कैश चाहिए, तभी वो जो बैंकर है उसको वो पे करना पड़ेगा, ना कि किसी एक पर्टिकुलर स्पेसिफाइड डेट के ऊपर. तो इसीलिए इसको हम कहते हैं कि ये पेबल होगा ऑन डिमांड. एंड इट इंक्लूड्स द इलेक्ट्रॉनिक इमेज ऑफ ट्रंकेटेड चेक एंड अ चेक इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म. और अब ये जो चेक है इसको हम सिमिलर मानेंगे किसके, एक इलेक्ट्रॉनिक इमेज ऑफ ट्रंकेटेड चेक के और चेक इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म के. तो अब इन दोनों टर्म्स को, ट्रंकेटेड चेक और चेक इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म को, हम आगे डिस्कस करेंगे. लेकिन अब ये जो दोनों टाइप है, ट्रंकेटेड चेक और चेक इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, इसको भी हम एक वैलिड चेक ही मानते हैं. इसीलिए यहाँ पर चेक की डेफिनेशन में इनको इंक्लूड किया है. इसीलिए यहाँ पर लिखा है कि ये इंक्लूड करता है, इट इंक्लूड्स इलेक्ट्रॉनिक इमेज ऑफ ट्रंकेटेड चेक एंड चेक इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म. तो अब हमने देखा कि जो चेक है वो एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का टाइप है और ये बिल ऑफ एक्सचेंज ही होता है. लेकिन अब इसमें जो पार्टी इन्वॉल्व होती है वो एक स्पेसिफाइड बैंकर होती है जिसके ऊपर ये ड्रॉ किया जाता है. तो बिल ऑफ एक्सचेंज में हमने देखा था कि वो ड्रॉई के ऊपर ड्रॉ किया जाता है बिल ऑफ एक्सचेंज को. तो यहाँ पर वो जो ड्रॉई होगा वो एक स्पेसिफाइड बैंकर ही होगा. तो अब आगे इसको डिटेल में समझते हैं हम पार्टीज इन्वॉल्व्ड इन चेक में. तो अब यहाँ पर थ्री पार्टीज इन्वॉल्व्ड होती हैं चेक के अंदर भी, जैसे बिल ऑफ एक्सचेंज में होती थी. तो ये तो हमने यहीं से समझ लिया था कि अगर चेक एक बिल ऑफ एक्सचेंज है तो इसमें भी थ्री पार्टीज इन्वॉल्व होंगी. तो अब यहाँ पर भी ड्रॉअर है, ड्रॉई है और पेई है. तो अब यहाँ पे ड्रॉअर वो पर्सन है जो ड्रॉ कर रहा है, जो मेक कर रहा है उस बिल को या उस चेक. तो अब जो ड्रॉई है वो एक वो पर्सन होगा ऑन होम द बिल इज ड्रॉन, जिसके ऊपर वो बिल ड्रॉ किया जाएगा, जो अल्टीमेटली पेमेंट करेगा जो ड्रॉई होगा. तो यहाँ पर जो ड्रॉई है जो अल्टीमेट पेमेंट करेगा वो यहाँ पर एक बैंक है. तो इसीलिए हम ड्रॉई को यहाँ पर एक बैंक भी बोल सकते हैं, क्योंकि जब भी ये टर्म आती है चेक तो हम इसको क्लियरली समझ जाते हैं कि यहाँ पर जो बैंक है वो इन्वॉल्व होगा ही. तो इसीलिए जो ड्रॉई है यहाँ पर वही पेमेंट करेगा उस चेक के अगेंस्ट, वही इन कैश करेगा. तो इसीलिए यहाँ पर हम बैंक को ही ड्रॉई मानते हैं.
पे कौन पर्सन होगा यहाँ पर, हु इज एंटाइटल्ड टू रिकवर मनी, जो पर्सन एंटाइटल्ड है मनी रिकवर करने के लिए। तो अब इसको हम कैसे समझ सकते हैं एक एग्जांपल से, जैसे हमने प्रीवियस वीडियोस में भी डिस्कस किया था कि मान लेते हैं यहाँ पर जो है वो दो पार्टीज हैं और यहाँ पर एक एम्प्लॉयर है और एक एम्प्लॉई है। तो अब मान लेते हैं कि मंथ एंड है और यहाँ पर सैलरी पे करनी है इस एम्प्लॉयर को, इस एम्प्लॉई को। तो अब यहाँ पे ये एम्प्लॉयर क्या करेगा, एक चेक दे देगा इसको। तो अब इसने ये लेट्स से ₹50,000 जो है वो एम्प्लॉयर को मंथली सैलरी देनी है एम्प्लॉई को, और अब उसने एक 50,000 का चेक जो है वो एम्प्लॉई को दे दिया। तो अब ये जो एम्प्लॉई है वो क्या करेगा, वो बैंक के पास जाएगा, उस चेक को प्रेजेंट करेगा और उसके अगेंस्ट उसको 50,000 कैश जो है वो मिल जाएगा या फिर अपने बैंक में वो ट्रांसफर करवा ले। तो अब इस सिचुएशन में हमने देखा कि जो बैंक है वो अल्टीमेटली यहाँ पर 50,000 rupees जो है वो पे कर रहा है एम्प्लॉई को, और यहाँ पर जो एम्प्लॉयर है वो ड्रॉअर है उस चेक का, वो ड्रॉ कर रहा है, वो मेक कर रहा है उस चेक को, और जो एम्प्लॉई है यहाँ पर वो पे ही है उसको, अल्टीमेटली वो अमाउंट जो है वो मिलना है, वो ये अमाउंट जो है वो रिकवर कर सकता है। तो अब यहाँ पर एम्प्लॉयर को हम ड्रॉअर कह सकते हैं, बैंक को हम ड्रॉई कह सकते हैं और एम्प्लॉई को हम पे ही कह सकते हैं। तो इसी से हम समझ जाते हैं कि यहाँ पर जो ड्रॉअर होगा वो मेक करेगा उस बिल को या उस चेक को, ड्रॉई जो है या फिर बैंक जो है उसके लिए ड्रॉ किया जाएगा वो चेक, कि वहाँ से अल्टीमेटली जो पे ही है वो रिकवर कर पाए अमाउंट को। तो अब वो जो पे ही है वो प्रेजेंट करेगा उस चेक को बैंक में और वो अपना मनी जो है वो रिकवर कर लेगा। तो आई होप आपको ये चेक का मैकेनिज्म भी समझ में आया होगा और ये भी समझ में आया होगा कि हम ड्रॉई को बैंक क्यों कहते हैं। तो अब नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं कि यहाँ पर फीचर्स क्या होते हैं चेक के। फीचर्स में पहले है अ चेक शुड बी इन राइटिंग एंड प्रॉपरली साइंड बाय द ड्रॉअर। तो अब यहाँ पे वो जो चेक होगा वो यहाँ पर राइटिंग में ही हो सकता है और यहाँ पर प्रॉपरली साइंड होगा वो बाय द ड्रॉअर, ड्रॉअर उसको प्रॉपरली साइन करेगा तभी हम उस चेक को वैलिड मानेंगे, तभी यहाँ पर पे जो है वो रिकवर कर पाएगा अमाउंट को जिसके लिए भी वो एंटाइटल होगा उस। तो इसीलिए यहाँ पर ड्रॉअर का उस चेक को प्रॉपरली साइन करना इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है यहाँ पर चेक कंटेन्स एन अनकंडीशनल ऑर्डर, यहाँ पर भी जो चेक है वो अनकंडीशनल ऑर्डर देता है कि अब यहाँ पर ड्रॉअर जो है वो ये ऑर्डर दे रहा है बैंक को कि सर्टेन सम ऑफ मनी जो है वो आप पे कर दो पेई को। तो ये ऑर्डर जो है वो अनकंडीशनल है, इसमें कोई भी कंडीशंस जो है वो एप्लीकेबल नहीं होंगी। तो नेक्स्ट फीचर है यहाँ पर अ चेक इशूड ऑन अ स्पेसिफाइड बैंकर ओनली। तो अब यहाँ पर जो चेक है वो इशू किया जाएगा ऑन अ स्पेसिफाइड बैंकर, जैसे हमने यहाँ पर देखा कि यहाँ पर जो ड्रॉई होगा वो अल्टीमेटली बैंक होना है, तो इसीलिए सिर्फ यही यहाँ पर ड्रॉई बन सकता है, सिर्फ एक स्पेसिफाइड बैंक को ही हम कह सकते हैं कि ये ड्रॉई है। तो इसीलिए ये एक असेंशियल फीचर है यहाँ पर चेक का कि यहाँ पर जो है वो स्पेसिफाइड बैंकर के लिए ही इशू होना चाहिए कि वही बाद में उस चेक के अगेंस्ट जो पेमेंट है वो करेगा। तो नेक्स्ट है यहाँ पर द अमाउंट स्पेसिफाइड इज ऑलवेज सर्टेन एंड शुड बी क्लियरली मेंशन्ड बोथ इन फिगर्स एंड वर्ड्स। तो आपने अगर कभी चेक साइन किया होगा तो उसमें आपने देखा होगा कि वहाँ पे जो हमें अमाउंट है वो फिगर्स में भी लिखना होता है और वर्ड्स में भी। तो इसीलिए यही कंडीशन है यहाँ पर कि अमाउंट जो है वो स्पेसिफाइड होना चाहिए, सर्टेन अमाउंट होना चाहिए और वो अमाउंट जो है वो क्लियरली मेंशन्ड होना चाहिए फिगर्स में भी और वर्ड्स में भी। तो एक पर्टिकुलर अमाउंट जो है वो मेंशन होना चाहिए, उसमें कोई अनसर्टेनिटी नहीं हो सकती। जैसे हमने इस एग्जांपल में देखा यहाँ पर ये एम्प्लॉयर जो है वो ये नहीं लिख देगा चेक में कि कोई भी सम जो है वो पे कर दो यहाँ पर एम्प्लॉई को, यहाँ पर इसको ये मेंशन करना पड़ेगा वहाँ पर कि 50,000 rupees जो है वो पे करने हैं। तो वहाँ पर चेक में उसको ये मेंशन करना पड़ेगा कि ₹50,000 जो है, और वर्ड्स में भी उसको ये लिखना पड़ेगा कि इतना सम ऑफ अमाउंट जो है वो पे करना है बैंक को उस एम्प्लॉय को।
तो अब यहाँ पर, तो इसीलिए यहाँ पर जो अमाउंट है वो स्पेसिफाइड होना चाहिए और सर्टेन होना चाहिए और फिगर्स और वर्ड्स में मेंशन होना चाहिए। नेक्स्ट है यहाँ पर द पे ऑफ अ चेक इज ऑलवेज सर्टेन। जो पे है उस चेक का वो हमेशा सर्टेन होना चाहिए, मतलब जो भी एम्प्लॉई है वो यहाँ पर सर्टेन पर्सन ही होना चाहिए। किसी भी अनसर्टेन पर्सन के लिए हम उस चेक को इशू नहीं कर सकते कि कोई भी उसको इनकैश करवा लेगा, तो ऐसा नहीं होगा। तो इसीलिए यहाँ पर जो पे है, जो एम्प्लॉई है, वो एक सर्टेन पर्सन होना चाहिए, तभी वो चेक को वहाँ पर इनकैश करवा पाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे चेक इज़ ऑलवेज पेबल ऑन डिमांड। जो हमने यहाँ पर देखा कि डेफिनेशन में ही हमने देखा था कि इट इज़ ऑलवेज पेबल ऑन डिमांड, तो चेक कभी भी फ्यूचर स्पेसिफाइड डेट पर नहीं बल्कि ऑन डिमांड ही पेबल होगा। बैंक को जब उस चेक को लेकर यहाँ पर पे आया है तभी वहाँ पर बैंक को उसको पे करना पड़ेगा। तो इसीलिए इसको हम कहते हैं कि जो चेक है वो पेबल होता है ऑन डिमांड एंड शुड बियर अ डेट, अदरवाइज इट इज़ इनवैलिड। और उसके ऊपर एक डेट होनी चाहिए, और अगर ऐसा नहीं होता है तो वो इनवैलिड हो जाएगा एंड शेल नॉट बी ऑनर्ड बाय द बैंक। और फिर जो बैंक है वो उसको डिसऑनर कर देगा उस चेक को कि वहाँ पर उस चेक में कुछ कमी है, डेट मेंशन नहीं है, तभी वो इनवैलिड हो जाएगा। अब ये जो डेट है वो वाली डेट होगी जिस पर यहाँ पर ड्रॉअर जो है वो उस चेक को मेक कर रहा है। तो इसीलिए यहाँ पर ये जो डेट है वो मेंशन होनी चाहिए, अदरवाइज वो इनवैलिड हो जाएगा और यहाँ पर जो बैंक है वो उस चेक को डिसऑनर कर देगा, ऑनर नहीं करेगा वहाँ पर। तो यही असेंशियल फीचर्स थे चेक के। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। यहाँ पर इस एग्जाम्पल से हमारे बहुत सारे डाउट्स क्लियर होते हैं चेक के बारे में। तो अब जैसे हमने चेक के डेफिनेशन में देखा था, जो चेक है वो इंक्लूड करता है द इलेक्ट्रॉनिक इमेज ऑफ ट्रंकेटेड चेक एंड अ चेक इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। तो अब ट्रंकेटेड चेक और चेक इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म को हम डिस्कस करेंगे कि क्या होते हैं ये टर्म्स। वैसे ट्रंकेटेड चेक को हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं अंडर आईटी एक्ट 2000, तो वहाँ पे हमने ट्रंकेटेड चेक को डिस्कस किया था। तो अ चेक हुज इलेक्ट्रॉनिक इमेज हैज़ बीन क्रिएटेड, तो ट्रंकेटेड चेक एक ऐसा चेक होता है जिसकी इलेक्ट्रॉनिक इमेज क्रिएट हो जाती है ड्यूरिंग द क्लियरिंग साइकिल। जब वो क्लियर हो रहा होता है चेक, लेट्स से यहाँ पर पे ही जो है वो उस चेक को बैंक में ड्रॉप कर कर आ चुका है, तो अब जब वो चेक जो है वो अपने क्लियरिंग साइकिल से गुजर रहा होगा तब उस चेक की एक इलेक्ट्रॉनिक इमेज जो है वो क्रिएट हो जाएगी। और अब ऐसा क्यों होता है कि उस चेक की इलेक्ट्रॉनिक इमेज क्रिएट हो जाती है, तो ये इसीलिए होता है कि ताकि इससे सब्स्टिट्यूट हो जाए फर्दर फिजिकल मूवमेंट। तो जो चेक है उसकी फिजिकल मूवमेंट को सब्स्टिट्यूट करने के लिए ही यहाँ पर हम इलेक्ट्रॉनिक इमेज यूज़ करते हैं उस चेक की। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस यहाँ पर फिजिकल मूवमेंट को, कि आगे हमें चेक को फिजिकली मूव ना करवाना पड़े ज़्यादा, तो इसी एक्शन को सब्स्टिट्यूट करने के लिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक इमेज जो है वो इशू की जाती है, क्रिएट की जाती है चेक की, ताकि उसकी मूवमेंट जो है इजीली हो जाए और फास्ट हो जाए। तो इसीलिए यहाँ पर ट्रंकेटेड चेक जो है उसको भी हम चेक ही मानते हैं, वो भी असेंशियल है ताकि फ्रीली मूवमेंट हो पाए उस चेक का क्लियरिंग साइकिल के दौरान। तो ये तो था ट्रंकेटेड चेक। अब चेक इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म क्या होता है, तो चेक जब भी हम साइन करते हैं तो वो हमेशा फिजिकल फॉर्म में होता है, राइटिंग में होता है। तो अब यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म है इसमें भी हम चेक को ड्रॉ कर सकते हैं, यहाँ पर ड्रॉअर जो है वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी उस चेक को ड्रॉ कर पाएगा। कैसे, द चेक इज़ ड्रॉन एंड साइंड इलेक्ट्रॉनिकली बाय द यूज़ ऑफ डिजिटल सिग्नेचर। तो अब ये डिजिटल सिग्नेचर का जो कंसेप्ट है ये भी हम आईटी एक्ट 2000 में डिस्कस कर चुके हैं। तो वहाँ पर हमने देखा था कि कैसे डिजिटल सिग्नेचर का यूज़ हो सकता है जिससे इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट जो है उनको ऑथेंटिकेट कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे जो चेक है उसको भी ड्रॉ किया जा सकता है इलेक्ट्रॉनिकली, उसको भी हम साइन कर सकते हैं इलेक्ट्रॉनिकली बाय यूजिंग डिजिटल सिग्नेचर। तो यही होता है यहाँ पर चेक इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि क्यों यहाँ पर ये चेक जो है वो इंक्लूड करता है ट्रंकेटेड चेक को और चेक इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म को। तो अब इसके नेक्स्ट वीडियो में हम चेक के आगे के प्रोविजंस डिस्कस करेंगे। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।